दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कॉपी पेस्ट कंटेंट के बारे में बताने वाला हूं जो कि इस टाइम पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। एंड अगर आप इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं यूट्यूब से कॉपी पेस्ट करके। यहां पर आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एंड यहां पर आपको मैं एक बात और बता दूं कि यार मेरे चैनल का मकसद ही यही है कि यार मैं आपको ऐसे ऐसे कॉन्टेंट ला के दूं, ऐसे ऐसे कॉन्टेंट ढूंढ ढूंढ के निकाल के दूं आपको जो कि इस टाइम पर ट्रेंडिंग चल रहा हूं। एंड अगर आप उन कंटेंट को बनाओ, उस पर वीडियोस बनाओ कॉपी पेस्ट करके, तो आपकी वीडियोस वायरल हो एंड आप यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकें। तो यार चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। यहां पर आप देखो मेरी सोशल ब्लेड यहां पर ओपन है और यहां पर एक बंदे का चैनल आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इस बंदे के चैनल पर यहां पर आप देखो कितना 2.8 के डॉलर से 44.2 के डॉलर ये लड़का अपने यूट्यूब चैनल से सिंपल कॉपी पेस्ट करके अर्निंग कर रहा है, वो भी सिंपल तरीके से, कोई मेहनत नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी मेहनत नहीं करता, कॉपी एंड पेस्ट करता है बस, और यहाँ से ये अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहा है। तो भाई ये ऐसा कोई बहुत बड़ा काम तो कर नहीं रहा है जिससे कि ये इतना सारा पैसा अर्न कर रहा है। एंड आपको भी सिंपल यही काम करना है और आप भी इसी प्रकार से पैसा अर्न कर सकते हो, कोई मेहनत नहीं करनी आपको, ठीक है। तो यार यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि 2.8 के डॉलर इंडियन करेंसी में कितना होता है, जिससे कि आपके अंदर और ज्यादा आग लगेगी इस टाइप का कंटेंट बनाने के लिए। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सिंपल यहां पर अमेरिकन डॉलर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है भारतीय रुपया। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, 2.8 के का मतलब होता है 2800 रुपए, ठीक है। तो यहां पर मैं सिंपल लिख देता हूं 2800 रुपए, ठीक है, 800 डॉलर, सॉरी रुपया नहीं डॉलर। अब यहां पर आप देखो इंडियन करेंसी में कितना होता है, भारतीय रुपए में अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर आप देखो 22,87,095 रुपए होता है। अब आप थोड़ा सा सोचो कि जब ये बंदा कॉपी पेस्ट करके सिंपल तरीके से 22,87,095 रुपए अर्न कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो अर्न। अब यहां पर आप देखो मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं इसके चैनल पर एंड आपको दिखाता हूं कि ये किस प्रकार का कंटेंट बनाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो मैंने इसका जो चैनल है, यहां पर मैं सर्च करता हूं, यूट्यूब पर आ गया हूं और यहां पर मैं इसका जो चैनल है वो सिंपल सर्च कर लेता हूं। यहां पर आप देखो इसका जो चैनल है वो मेरे सामने आ चुका है एंड आपको भी साइड में देखने को मिल रहा होगा। तो यहां पर आप देखो इसके चैनल पर मैं कर देता हूं क्लिक, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखो इसके चैनल पर लिखा है ऑडल सेटिस्फाइंग, ठीक है। इनके चैनल पर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कितने हैं, 2.27 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं केवल 41 वीडियोस पर। अब आप सोचो ये बंदा 2.27 यानी कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठा है, 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं एंड 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स सिर्फ 41 वीडियोस पर ये बंदा लेके बैठा है। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि ये वीडियोस किस प्रकार की बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखो ये पूरी की पूरी सेटिस्फाइंग वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। यहां पर आपको देखने को मिल रही होगी ना, ये सारी वीडियोस सेटिस्फाइंग है। अब व्यूज भी देख लो आप, 1.6 के व्यूज, 2.2 के व्यूज, 2.4 के व्यूज, 3.2 के व्यूज, मतलब कि यहां पर 2,000-3,000 से व्यूज कम ही नहीं है, ठीक है। अच्छे खासे यहां पर व्यूज आ रहे हैं और भी आप देखोगे नीचे आओगे तो यहां पर आपको 1,00,000 मिलियंस में भी व्यूज जाते हुए देखने को मिल जाएंगे इजीली, ठीक है। तो चलो यार मैं यहां पर आपको एक आध वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सिंपल एक वीडियो को यहां पर प्ले कर लेता हूं, देन आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार की वीडियोस, ठीक है। तो यहां पर आप देखो इस प्रकार से ये वीडियोस बनाते हैं, यार आप यहां पर देखो इस प्रकार से ये वीडियोस बनाते हैं, ये सिंपल कॉपी पेस्ट करते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आपको कंटेंट उठाना है, थोड़ा सा एडिट करना है, देन YouTube पे अपलोड कर देना। मात्र 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको इस टाइप का कंटेंट ढूंढने में और इस टाइप का कंटेंट को एडिट करने में, केवल 2 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं कि आपने कंटेंट ढूंढना कैसे है। आपको मैंने चैनल दिखा दिया, हर चीज दिखा दी, अब आपको बनाते भी तो आना चाहिए कंटेंट, कि कहां से आप ढूंढोगे कंटेंट, तब तो इस टाइप का कंटेंट बनाओगे। तो आपने क्या करना है, कंटेंट ढूंढने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी। सबसे पहले आपने चले जाना है अपने इंस्टाग्राम पर, ठीक है। यहां पर आप देखो मैं सिंपल इंस्टाग्राम पर आ गया हूं एंड यहां पर आपने चले जाना है सर्च पर, और यहां पर आपने सिंपल सर्च पर जाने के बाद यहां पर लिखना है सेटिस्फाइंग, ठीक है। यहां पर सिंपल लिख देना है सेटिस्फाइंग वीडियोस, ठीक है। जैसे आप यहां पर सेटिस्फाइंग लिखोगे तो आपके सामने यहां पर कई सारी वीडियोस यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहां पर आप देखो ये वाली जो वीडियो है ये चल रही है, ठीक है। तो यही सब वीडियोस को आपने क्या करना है, सिंपल डाउनलोड करना, और डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। एरो वाले साइन पर जाना एंड इसकी जो लिंक है वो उसे कॉपी कर लेना, सिंपल सा आपने कुछ काम नहीं करना, बस इसकी जो लिंक है उसे यहां से कॉपी कर लेना। जैसे कि यहां पर ये कॉपी लिंक का ऑप्शन है, मैंने यहां पर सिंपल कॉपी कर ली, ठीक है, दैट्स इट। तो यार यहां से आपने सिंपल लिंक को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल जाना है क्रोम पर, ठीक है।
क्रोम पर जाने के बाद यहाँ पर आपको न्यू टैब को करना है ओपन, और यहाँ पर आपने सिंपल लिख देना इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर। जैसे ही लिख दोगे आप तो आपको बहुत सारे डाउनलोडर मिल जाएंगे, देन लिंक को वहां पर पेस्ट करके देन आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि भाई यहाँ पर थोड़ा सा कॉपीराइट का झंझट वगैरह आ सकता है, ठीक है, लेकिन आप सिंपल इसी तरीके से कर सकते हो। अब देखो आपने यहाँ से भी कॉन्टेंट मिल गया, इसके बाद आपने कॉन्टेंट मिल जाएगा फेसबुक से, फेसबुक को खोलो, ठीक है। यहाँ पर आप देखो मैंने फेसबुक को ओपन कर लिया, अब यहाँ पर आप देखो मैंने फेसबुक को ओपन कर लिया, देन मैं यहाँ पर जाऊंगा सर्च पर, सॉरी यहाँ पर मैं जाऊंगा वीडियोस वाले इस चैनल पर, और यहाँ पर जो टीवी जैसा साइन बनाना है इस पे जाऊंगा और इसके सर्च पर जाऊंगा। सर्च पर जाने के बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेटिस्फाइंग वीडियोस, ठीक है, यहाँ पर आप देखो ऊपर ही आ गया सेटिस्फाइंग वीडियोस। लिख के जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पर आप देखो आपको कितनी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जिसे आप सिंपल सा डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपने क्लिक करना है इस पर, और क्लिक करने के बाद आपने इसको रोकना है, ठीक है, ऐसे रोक लेना है। रोकने के बाद शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है। देखो बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको आपकी वीडियोस वायरल करने के लिए। अगर आपसे मेहनत नहीं होती, अगर आपसे वीडियो नहीं बनती, अगर आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना, अगर आपको अपनी वॉइस नहीं डालनी, तो आप इस प्रकार का कॉन्टेंट बना के यूट्यूब पर कॉपी पेस्ट करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। यूट्यूब से कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है, आपका चैनल 100% मोनेटाइज होगा, देन आप 100% यहां से अर्निंग करोगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखो मैंने सिंपल क्या कर दिया, इसको मैं कर लेता हूं कॉपी। जैसे ही मैंने इसको कॉपी कर लिया है, कॉपी करने के बाद यहां पर मैं आऊंगा बैक, और यहां पर वहीं को जाना है सिंपल फिर से क्रोम ब्राउजर पर, और क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद मुझे यहां पर टाइप करना है फेसबुक वीडियो डाउनलोडर। जैसे ही मैं सर्च करूंगा मेरे सामने फिर से यहां पर बहुत सारे एक्सटेंशन आ जाएंगे, वेबसाइट्स आ जाएंगी, मैं सिंपल वहां पर लिंक डालूंगा और जो मेरी वीडियो है वो इंस्टेंट डाउनलोड हो जाएगी, इंस्टेंट, मुझे कुछ भी मेहनत नहीं करनी, ठीक है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, सिंपल डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे ही आप यहां पर डाउनलोड कर लेते हो तो अब आपने करनी है एडिटिंग। देखो एडिटिंग करना कोई भी कठिन काम नहीं है, ठीक है, करना कैसे है वो मैं आपको बता यार। जैसे आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म से वीडियोस को इकट्ठा कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद आपने आना है सिंपल सा काइन मास्टर पर, ठीक है, कहीं मत जाना, सिंपल सा काइन मास्टर पर आना। अगर आपसे काइन मास्टर चलाते नहीं आता तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि VN हो गया, इंसर्ट हो गया, वीटा हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जहां पर आप जाकर एडिट कर सकते हो, बट मैं काइन मास्टर इसलिए सजेस्ट करता हूं हर बार क्योंकि काइन मास्टर चलाना बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। यहां पर आप देखो मेरा जो काइन मास्टर है वो सिंपल सा ओपन हो चुका है। यहां पर मुझे क्या करना है, सिंपल क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, और यहां पर मुझे क्या करना है, सिंपल 9:16 सेलेक्ट करना है, देन यहां पर सिंपल क्रिएट पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे मैं यहां पर क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा, एक एक स्टेप को अच्छे से देखना, तब भी आप अच्छे तरीके से अपनी वीडियोस को बना पाओगे, वरना कॉपीराइट क्लेम वगैरह आ जाएगा जिससे कि आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहां पर आप देखो मैंने सिंपल सा इस प्रकार से आ चुका है। यहां पर मैं डाउनलोड पर जाऊंगा और जो मैंने वीडियो डाउनलोड करी है वो मेरी वीडियो यहां पर आ जाएगी। मैं आपको सिंपल एक ठो वीडियो को एडिट करके दिखा देता हूं, आपको तरीका सिखा देता हूं, बाकी का काम आप खुद ब खुद कर लोगे, ठीक है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर आप देखो मैंने सिंपल वीडियो डाउनलोड कर ली थी, डाउनलोड करने के बाद मैं सिंपल यहां पर अपनी वीडियो को लेकर आता हूं, ठीक है। जैसे मैंने अपनी वीडियो को यहां पर ले आया तो मेरी जो वीडियो है वो यहां पर आ चुकी है। अब यहां पर आपने करना क्या है, बस दो काम करना है। पहला काम आपको इस लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहां पर आपने जाना है एडजस्टमेंट पर, और यहां से एडजस्टमेंट जो है वो उसे थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि इसको थोड़ा सा डार्क कर देना, थोड़ी सी सैचुरेशन हाई कर देना, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देना, थोड़ा सा हाईलाइट्स कर देना, थोड़ी सी शैडो बढ़ा देना, ठीक है, इस प्रकार से यहां पर आप काम कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपने क्या करना है, बैक होना है। उसके बाद यहां पर आपने क्या करना है, सिंपल सा यहां पर आपने जाना है पैन एंड जूम ऑप्शन पर, और यहां पर आपने क्या करना है, सिंपल सा इसको थोड़ा सा जूम कर लेना, ठीक है, जूम करने के बाद इसको इक्वल कर देना। दो काम हो गए। इसके बाद एक लास्ट काम और करना है आपने, वो ये करना है कि इसका जो म्यूजिक है उस म्यूजिक को आपने क्या करना है, यहां पर जाना है और इसको पूरा सा बंद कर देना, ठीक है। बंद करने के बाद यहां पर इसे आप पॉज भी कर, मतलब हटा दो, ठीक है, म्यूजिक को बंद कर दो बस। तो साउंड को ऑफ करने के बाद अब यहां पर आप दो काम कर सकते हो। पहला काम, यहां पर आप कोई अच्छा सा एनसीएस सॉन्ग लगा सकते हो जिससे कि आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। और बाकी मैंने आपको ट्रिक्स बता दी, इसको तो थोड़ा सा आपने जूम कर दिया है, देन आपने फिल्टर्स वगैरह चेंज कर दिए जिससे कि कॉपीराइट आने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप यहां पर जो काम मैं आपको बता रहा हूं वो जरूर से करना, आप इसके साउंड को म्यूट कर देना, देन यहां पर कोई अच्छा सा सेटिस्फाइंग सॉन्ग लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये वीडियोस ही सेटिस्फाइंग है, तो आप यहां पर सेटिस्फाइंग सॉन्ग लगाएंगे तो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। देन आपको सेटिस्फाइंग सॉन्ग जो है वो यूट्यूब से ही मिल जाएंगे। अगर आपको यूट्यूब से नहीं मिलते हैं तो आप यूट्यूब की लाइब्रेरी पर पहुंच जाना, तो आपको वहां से मिल जाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर वॉइस ओवर कर सकते हैं कि भाई ये अब इस गाड़ी को काटने वाला है, काटने के बाद इसको इस प्रकार से बनाने वाला है, कुछ नई डिजाइन देने वाला है, तो देखने के बाद आप काफी ज्यादा शौक हो जाओगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर वॉइस ओवर कर सकते हैं जो कि इन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। देन आप अपने वॉइस ओवर के पीछे सेटिस्फाइंग सॉन्ग भी लगा सकते हो जिससे कि और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो काम आप कर सकते हो एंड आप इजिली इस चैनल को मोनेटाइज कर पाओगे एंड अपनी वीडियोस को अच्छे तरीके से रैंक कर पाओगे। दोस्तों ये था तरीका, अगर आप चेहरा नहीं दिखाना चाहते, अगर आप वॉइस ओवर नहीं करना चाहते हो, मेहनत नहीं करना चाहते हो, सिंपल तरीके से कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो, तो भाई इससे अच्छा आइडिया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस टाइम पर ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर है और अगर आप इस टाइप का कंटेंट बनाते हो तो आप बहुत ज्यादा वायरल हो सकते हो। लिटरली बता रहा हूं, एक चैनल इसका खोल के एंड मेरे ऊपर भरोसा रख के इस टाइप का कंटेंट बना के जरूर से ट्राई करिएगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स आपको मिल जाएगा तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड यार इसी प्रकार से अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पाना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।